दोस्तों होली आ चुकी है और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी कैफे बाय नेहा। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है, होली स्पेशल, जो हमारे बिहार का बहुत ही फेमस है और मोस्टली हर किसी के घर में ये ज़रूर बनता है। तो आज मैं आप लोगों को अपने बिहार की रेसिपी बताने वाली हूँ कि यहाँ पर लोग कटहल की सब्जी कैसे बनाते हैं। बनाने के तो बहुत सारे वेरिएशन है, लेकिन मैं इस सब्जी को बहुत सिंपल और इजी तरीके से बताने वाली हूँ ताकि आप लोगों का काम आसान हो जाए और सब्जी भी फटाफट से बन जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट करके ऑल सेलेक्ट जरूर से कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कटहल की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है आधा किलो कटहल, और कटहल को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और कटहल का जो कलर है वो काटते ही इस तरीके का हो जाता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो अब हम चलते हैं कटहल को पहले बॉयल हम करेंगे। तो सबसे पहले कुकर में हम डाल देंगे सारे कटहल को, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। इन सबको डालने के बाद हम इसमें एक गिलास के करीब पानी डाल देंगे और इसको लगभग 2 विसिल आने तक हम इसको पका लेंगे, क्योंकि कटहल जो है बहुत ही अच्छा था, बहुत सॉफ्ट था, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा विसिल देने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 विसिल देने के बाद हमें इसके स्टीम को निकलने का वेट करना है। तो ये देखिए 2 विसिल लग चुका है और सारा स्टीम भी निकल गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं नाइफ़ के हेल्प से दिखा रही हूँ कि कटहल कितने अच्छे से पक गया है, बहुत सॉफ्ट हो गया और काफ़ी गर्म भी था ये। तो अब हम कटहल को छान करके निकाल लेते हैं। अब हम उसी कुकर में कटहल को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं सब्जी बनाने के लिए कुकर का ही यूज़ करूँगी। इस कुकर में बहुत आराम से सब्जी हमारी बन जाएगी, आप चाहे तो कढ़ाई पे भी बना सकते हैं। तो सरसों के तेल गर्म होने के बाद हमने इसमें कटहल डाल दिया और सारे कटहल को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं कटहल जो हमारा 2 से 3 मिनट तक भुन गया है और बहुत अच्छा कलर आ गया। तो अब हम इसको साइड में निकाल लेंगे प्लेट पर। और अलग से मैंने कुछ आलू को भी बॉईल कर लिया था, छोटे छोटे बेबी पोटैटोज जो होते हैं। तो यहाँ पर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिर्फ कटहल के साथ भी इस सब्जी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने छोटे छोटे आलू को बॉईल कर लिया था और इसको मैं काटी नहीं हूँ, बस इसी तरीके से डायरेक्टली इस सब्जी में डालेंगे ना तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बेटे को आलू हर चीज़ में चाहिए तो मैं हर सब्ज़ी में आलू का यूज़ करती हूँ, बच्चों को पसंद आता है। तो यहाँ पर मैं आलू को फ्राई कर लूँगी हल्दी और नमक डाल करके। तो इसको भी हल्का सा 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। और यहाँ पर मैं जब कटहल और आलू को फ्राई कर रही थी तो हमारा जो कुकर है वो बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, क्योंकि मैंने इसमें कटहल को बॉईल किया था। और कटहल जिस चीज़ में आप बॉईल करो उसके बाद सिर्फ पानी से धोने के बाद इसमें अगर हम कोई चीज़ फ्राई करते ना तो बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो आलू जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं और कुकर को अच्छे से थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। इसके बाद हमें सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर चाहिए 2 बड़े साइज़ का प्याज को मैंने इस तरीके से स्लाइस कट कर लिया है, 2 बड़े साइज़ का टमाटर काट लिया है, 8-10 कली हम साबुत लहसुन ले लेंगे, और 1 छोटी सी कटोरी में हमने अदरक लहसुन और 1 सूखी हुई लाल मिर्च को पीस लिया है मिक्सी के जार में। तो अब हमारा सब कुछ रेडी हो गया है, तो अब चलिए हम बनाते हैं फाइनली सब्जी। तो यहाँ पर मैंने कुकर को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है ताकि मेरा आगे सब्ज़ी चिपके नहीं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल के गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 सूखे हुए लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता। इन सबको कुछ सेकंड भून लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे साइज़ किया हुआ प्याज, और जो हमने अलग से लहसुन को साबुत रखा था वो 8 से 10 कली हम लहसुन इसमें मिला देंगे। इस तरह की ग्रेवी वाली सब्ज़ी आप जब भी बनाइए तो साबुत लहसुन इसमें हम डाल करके फ्राई करते हैं प्याज के साथ, तो सब्ज़ी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों बहुत ही अच्छा आता है। तो प्याज को हमें बस 1 से 2 मिनट ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेना है, और इसके बाद हम इसमें मिला देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। तो इस तरीके से मैं अदरक और लहसुन के साथ 1 सूखी हुई लाल मिर्च भी पीस देती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर।
अब हमें इसमें डाल देना है कटा हुआ टमाटर, और सारे चीज़ों को हमें मिलाते हुए बहुत अच्छे से भून लेना है। इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये जो गरम मसाला है वो होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम इसमें मिला देंगे थोड़ा सा पानी और सारी चीज़ों को हमें मिक्स करके कवर करके 5 से 10 मिनट तक हमें पकाना है, जब तक कि ये मसाला जो है ऑयल रिलीज़ ना कर दे। यहाँ पर मैं काली मिर्च का पाउडर डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर भी मिक्स कर दिया है, और इसको मैं कवर करके 10 मिनट तक लगातार पकाते रहना है, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। बीच बीच में आप ये 2-3 बार चला भी दीजिए, ताकि इस मसाला जो वो चिपके नहीं। तो अब हमारा 5 से 7 मिनट तक हो चुका है मसाले को भूनते हुए, और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना ही मज़ेदार लग रहा है, और ऑयल भी बहुत अच्छे से रिलीज़ हो गया है। तो इस तरीके से हम स्पून के हेल्प से सारे मसाले को हम थोड़ा सा मैश कर देंगे, और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये इतना डिलीशियस, इतना टेस्टी बनता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और बनाना भी बहुत आसान है। तो अब मसाला जो है वो परफेक्टली बन चुका है, तो इसमें हम मिलाएंगे अब कटहल और आलू फ्राई किया हुआ। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसमें लगभग 1 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी खानी है। तो पानी मिलाने के बाद हम इसको थोड़ा सा उबलने देंगे, और उबलने के बाद जो सब्जी है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए सब्जी जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसमें चाहें तो हरा धनिया वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ कटहल की सब्ज़ी में, क्योंकि हरा धनिया डालने से थोड़ा सा टेस्ट एकदम कॉमन वाला आने लगता है। तो ये देखिए हमारा लजीज सा कटहल की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, और ये बहुत इजी है बनाना, बहुत सिंपल सा तरीका है। वैसे भी होली के टाइम में लोगों को इतना ज़्यादा काम होता है, तो आप अगर कटहल की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत इजी और फटाफट से बन जाती है। तो ये देखिए सब्ज़ी जो हमारा कितना लजीज लग रहा है। इस सब्ज़ी को आप चपाती, कचौड़ी, पूड़ी या फिर राइस के साथ स्पेशली खाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार लगता है। आई होप कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप होली में कटहल की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी से एक बार ट्राई करके ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।